आर्थिक को लेकर मोदी सरकार को घेरा और साथ ही उन्होंने मोदी सरकार पर विरोधियों के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव हमारे साथ, हम इनसे बात करते हैं केजरीवाल के बयान पर। मैडम, केजरीवाल ने कहा कि आर्थिक आतंकवाद फैला हुआ है और व्यापारी वर्ग बीजेपी से डर रहा है, केंद्र सरकार से डरा हुआ है। राहुल गांधी जी शुरू से बोल रहे हैं, जब से GST लागू हुआ है, जब से नोटबंदी लागू हुई है, हमने देखा है जो छोटे कारोबार हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, मीडियम और स्मॉल साइज बिजनेसेस हैं, नरेंद्र मोदी जी की नीतियों ने उनका, मैं मानती हूँ कि उनके व्यापार को ख़त्म कर दिया है। GST तो हम भी चाहते थे, पर जिस तरह से उन्होंने 5 स्लैब में लागू किया है, 28% तक ले गए हैं, उनकी हर नीति मोदी सरकार के छोटे रोजगार और कारोबार के बिल्कुल खिलाफ है। और जिस तरह से उनके ऊपर सर्च सीजर किया गया है, उनकी रेड्स हुए हैं, मतलब इस तरह का आतंक फैलाया हुआ है नरेंद्र मोदी जी ने, कि डर के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों से वोट मांग रही है, वो इस देश के परंपरा के बिल्कुल खिलाफ है। CGI यौन शोषण मामले में CBI